क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी इज 12 इयर्स इफ 6 इयर्स बैक देयर एजेस वेयर इन द रेशियो 3:2 हाउ ओल्ड इज ए। किसी पेन पेपर की आवश्यकता नहीं है। आज ए और बी के बीच एज का अंतर 12 साल है, 12 इयर्स है। आज से 6 साल पहले 6 इयर्स बैक द रेशियो इज गिवन, द रेशियो वाज 3:2। रेशियो को कहीं नहीं ले जा सकते, रेशियो के पास आना पड़ेगा। तो 6 इयर्स बैक रेशियो है 3:2, ए का 3 तो बी का 2, तो डिफरेंस है 1, तो सम है 5, इट इज़ लेकिन हमको जो चाहिए और जो दिया हुआ है इन दो से ही मतलब है। तो डिफरेंस इज 1, डिफरेंस नेवर अफेक्टेड। आज उनके बीच एज का अंतर अगर 6 साल है तो आगे भी 6 साल ही रहेगा, पहले भी कभी भी 6 साल ही था, तो यहां भी डिफरेंस वही रहा। 3 और 2 का डिफरेंस 1, 1 मीन्स 1 मीन्स 12 ईयर्स, तो 2 मीन्स व्हाट, 3 मीन्स व्हाट, 2 मीन्स 24 ईयर्स, 3 मीन्स 36 ईयर्स। इस जगह पर ए की आयु 36 साल और बी की 24 साल, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो ए के बारे में है, तो हम लोग ए तक रहते हैं। यहाँ से 6 साल पहले अगर ए 36 साल का था तो आज कितने का हुआ, 36 + 6 = 42 ईयर्स। आप यहाँ भी देख सकते हैं बोर्ड पर लिखा गया है कि आज डिफरेंस है 12 ईयर्स। रेशियो जो 6 साल पहले था वो 3:2 था, डिफरेंस इज 1, 1 मीन्स 12 ईयर्स गिवन 12 टाइम्स, सो 2 मीन्स 24, 3 मीन्स 36। ये 36 साल आज से 6 साल पहले है, तो आज क्या हुआ +6, 42 ईयर्स। ए का एज आज 42 साल है। रेशियो ऑफ अशोक्स एज टू प्रदीप्स एज इज इक्वल टू 4:3। अशोक विल बी 26 ईयर्स ओल्ड आफ्टर 6 ईयर्स, हाउ ओल्ड इज प्रदीप नाउ। बहुत आसान क्वेश्चन, अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझा है तो फिर कुछ है ही नहीं, पेन पेपर की तो बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। रेशियो को कहीं नहीं ले जा सकते, रेशियो के पास आना पड़ेगा। रेशियो कब दिया है, आज। आज अशोक एंड प्रदीप दोनों के एज का रेशियो दिया हुआ है, वो रेशियो क्या है, 4:3। तो आज कोई एक्चुअल वैल्यू चाहिए तो नहीं, आज का नहीं मालूम है, लेकिन अशोक का एज आज से 6 साल के बाद 26 होगा, 26 ईयर्स, ये दिया हुआ है। किसी के एज को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। अगर अशोक 26 ईयर्स का होगा आज से 6 ईयर्स के बाद, तो आज कितने का हुआ, 6 लेस हुआ 20 ईयर्स। बस अशोक और प्रदीप के एज का रेशियो 4:3 है, और अशोक का आज का एज 20 है। 4 मीन्स 20 ईयर्स, 1 मीन्स 5 ईयर्स, 3 मीन्स व्हाट, 15 ईयर्स आंसर, जिसको लिखा गया है। देखिए अशोक का एज 26 ईयर्स होगा आज से 6 साल के बाद, पर आज कितना हुआ, 6 लेस 20 ईयर्स। अशोक और प्रदीप के एज का रेशियो 4:3 है, और अशोक का एज दिया है 20 ईयर्स। 4 मीन्स 20 ईयर्स रेशियो सिस्टम में, 4 मीन्स 20 ईयर्स, 1 मीन्स 5 ईयर्स, मतलब रेशियो सिस्टम 1 को 5 साल बोलते हैं तो 3 को क्या बोलेंगे, 15 साल आंसर। क्वेश्चन है द एज ऑफ ए फादर 3 ईयर्स अगो वाज 7 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, एट प्रेजेंट द फादर्स एज इज 5 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, व्हाट आर द प्रेजेंट एजेस ऑफ द फादर एंड सन। आज से 3 वर्ष पहले पिता की आयु उस समय के पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी पिता और पुत्र एज का रेशियो 7:1 था। आज से और आज पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 5:1 है, यानी आज पिता की आयु पुत्र की 5 गुनी है। देखिए मैंने पहले ही कहा था कि ये जो 3 स्टेजेज होंगे, आज का एज, आज से कुछ साल बाद, कुछ साल पहले, इस 3 में से प्रायः 2 में से किसी स्टेज से संबंधित क्वेश्चंस होंगे इन जनरल। यहाँ पर एट प्रेजेंट दिया हुआ है और 3 इयर्स एगो दिया हुआ है। हम लोग किसी भी एक स्टेज पर मान सकते हैं
थ्री इयर्स एगो मान के एट प्रेजेंट हो सकते हैं, ये फर्स्ट मेथड में हमने दिखाया है, और एट प्रेजेंट मान करके थ्री इयर्स एगो जा सकते हैं, ये सेकंड मेथड के रूप में हमने दिखाया है। एक जगह एज्यूम करने से दूसरी जगह पर जब हम जाते हैं तो एक ही वेरिएबल में एक इक्वेशन बनता है, और उसको यदि आपने सही तरीके से सॉल्व किया तो लिखने के बाद कुछ खास समस्या नहीं है। जैसे देखिए, हमने माना पहले मेथड में कि आज से 3 साल पहले फादर का एज 7 टाइम्स था, इसलिए सन का एक्स तो फादर का 7x, ये था आज से 3 साल पहले। तो आज क्या होगा, +3 होगा, आज सन का एज एक्स +3 होगा, फादर का एज 7x+3 होगा, और आज जो उनके एजेज हैं उनका रेशियो 5:1 है, दिया हुआ है कि आज पिता की आयु पुत्र की 5 गुनी है। ये इक्वेशन लिखने के बाद हमने इसको सॉल्व किया। ये सॉल्व करने का एक अलग तरीका है, अगर आप वैसे सॉल्व करेंगे तभी वो रिजल्ट आपको हासिल हो पाएगा जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए जरूरी होता है। ये क्या है, पहले इस मेथड को मैं बताता हूं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। आप सोचिए कि अगर एक इक्वेशन है, बीच में इक्वल का साइन है, दोनों ओर वेरिएबल्स हैं, तो अगर एक जगह 7x है दूसरी जगह 5x है, और 5x को 7x के पास लाइए तो क्या होगा, लेस होगा, 7x-5x 2x। ये क्या है, दोनों का जब सेम साइन होगा तो एक साइड जाने पर लेस होगा, प्लस प्लस होने पर भी लेस होगा, और माइनस माइनस होने पर भी लेस होगा। जैसे -7x और -5x है, अगर आप -5x को उस साइड ले आएंगे तो +5x और -7x, रिजल्ट मैग्नीट्यूड तो 2x ही होगा ना, साइन चाहे प्लस हो या माइनस उसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर कीजिए। उसी तरह से अगर अपोजिट साइन है, जैसे अगर +7 हो और -5 हो, तो हम लोग क्या देखते हैं कि -5 को इधर लाइए, -5 को इधर लाने से क्या होगा, ऐड होगा, अपोजिट साइन होने पर ऐड होता है, सेम साइन होने पर सब्ट्रैक्ट होता है। तो दोनों का अगर दोनों इक्वल साइन के दो ओर अगर सेम साइन है तो लेस होगा, प्लस प्लस हो तो भी माइनस माइनस हो तो भी, और अपोजिट है प्लस माइनस या माइनस प्लस तो वो ऐड होता है। अब साइन का सवाल उठा, तो साइन में सीधी सी बात है, एज कैन नेवर बी नेगेटिव, ये एक्स वगैरह क्या है, एज ऑफ समबडी कैन नेवर बी नेगेटिव, तो साइन को हम लोग इग्नोर करते हैं और बड़े वैल्यू को लेते हैं, क्योंकि एज कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। अब आप देखिए, यहां पर 1 से इसमें 7x में हुआ तो 7x, आप जानते हैं 1 into this one side, 5 into this another side, दो जगह दो वेरिएबल्स हैं, 1 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो समय लगेगा, तो जो जरूरी है वो काम करते हैं। ये 5x और ये 7x सेम साइन है, इसीलिए लेस हुआ 2x, और हम लोग लिख सकते थे 15 and 3 डिफरेंस इज 12, नहीं, हमने क्या कहा, 5 ठो आम 1 ठो आम सेम साइन है तो घट गया तो 4 ठो आम, 5 ठो 3 1 ठो 3 घट गया तो 4 ठो 3, 3 सेम होने पर कॉमन आ गया तो 5-1 4 -1, क्यों, क्योंकि दोनों का साइन सेम है। इसीलिए इस मेथड को आप ऐसे समझें कि अगर मान लीजिए यहां माइनस होता तो -5x और +7x तो ये ऐसा होता, यानी 12x होता। अगर मान लीजिए कि यहां ऐसे होता तो दोनों का सेम साइन है तो -7x-5x तो फिर ये माइनस होता, समझ गया। तो उसी तरह से जैसे यहां पर अगर माइनस होता अपोजिट साइन तो 5 ठो 3 और 1 ठो 3 क्या होता, ऐड हो जाता, तो ये 6 ठो 3 होता, 6 होता, लेकिन फिर अगर माइनस होता तो फिर सेम साइन होता तो लेस होता, तो लेस होता, तो समझ गए। तो 2x इज इक्वल टू 3 × 4 यानी 12, तो x इक्वल टू 6। आदत होती है कि x आया और हम आंसर बोल दिए, ऐसा करने से गलत हो जाएगा, आपको एक बार पूछना पड़ेगा व्हाट इज x। हमने माना था कि आज से 3 साल पहले बेटे की आयु x वर्ष थी और वो 6 निकला, तो आज क्या हुआ, एक्स प्लस 3 यानी 6+3 यानी 9 years। फादर के एज हमने क्या कहा था, 7x यानी 42,
3 years ago 42, तो आज क्या हुआ 42 plus 3 45। सेकंड मेथड में हमने क्या किया, आज का ही एज मान लिया, आज पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है तो हमने x एंड 5x माना, तो ये आज पिता और पुत्र की आयु x, पुत्र की आयु और पिता 5x। अब आज से 3 साल पहले तो दोनों का 3-3 लेस होगा और फादर का एज उस समय 7 टाइम्स था पुत्र के एज का। इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे, 7x 5x सेम साइन, इसलिए घटा, लेस हुआ 2x, और ये भी सेम साइन है, 7 3 बोल दीजिए, 8 3 बोल दीजिए, घट गया तो 6 3 बोल दीजिए, यानी 18, यानी x इक्वल टू 9। लेकिन यहां पर x क्या है, आज एट प्रेजेंट बेटे की आयु है तो वो क्या हुआ 9 ईयर्स आंसर, और आज पिता की आयु क्या है 5x, x 9 है तो 5x यानी 45 ईयर्स। ठीक है, द मैंस एज इज 125% ऑफ what it was 10 years ago, but 83 and 1/3% of what it will be after 10 years, what is the present age? बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बिना किसी पेन और पेपर के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, फिर भी पेन और पेपर पर एक्सप्लेन करेंगे ताकि और ठीक से क्लियर हो। दो स्टेटमेंट है, आइदर इज सफिशियंट टू गिव द आंसर, आप कोई भी ले सकते हैं, तो जो अच्छा लगेगा लेंगे, हालांकि इसमें बुरा लगने ऐसा कुछ नहीं है, दोनों ही सुंदर ऑप्शंस हैं और किसी से भी बनाया जा सकता है। जरा सोचिए, आज का एज आज से कुछ साल पहले के एज से ज्यादा होगा, अगर हम कुछ साल पहले का एज 100% माने तो उससे ज्यादा होगा, गिवन दैट This age is 125% of what it was 10 years ago. यानि ये 100 था तो ये 125 है, तो 25% ज्यादा है, लेकिन वो तो 10 साल ज्यादा है, 25% means 10 years, 125% means what? 5 times 50 years answer. देखिए, 100% 10 साल पहले जो था, आज वो 125% है, तो 25% बढ़ा ना, 10 years बढ़ा ना, 25% means 10 years, 125% means what? 5 times? तो 5 times, 50 years, आज 50 साल है, अगर हमको निकालना होता 10 years है, वो तो बोलते 4 times, that means 40 years, आज से 10 साल पहले कोई 40 साल का था, 25% यानी 10 साल बढ़ा, तो आज 125% यानी 50 साल हो गया। दूसरे स्टेटमेंट पर आए तो आज का एज आज से कुछ साल पहले के एज से तो कम होगा ना, अगर हम उसको 100% माने तो नेचुरली वो 100 से कम होगा, दिस इज 83 एंड 1/3%, तो अगर उसको 100% माने तो ये 83 एंड 1/3% है, व्हाट इज गैप 16 एंड 2/3%। जब आप मैथ्स पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 83 एंड 1/3% क्या होता है, फिर भी अगर ये मुश्किल लगता है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे आइए, परसेंटेज में बड़ा इंपॉर्टेंट ये फ्रैक्शनल वैल्यू है परसेंट का, कि 16 एंड 2/3% का मतलब 1/6 होता है, तो आज से 10 साल बाद अगर 1 था तो उससे 16 एंड 2/3% कम है, यानी 1/6 कम है, यानी अगर 1 था तो 1/6 लेस है, तो 5/6 है, पसंद नहीं आया, 1/6 कम है, अगर वो 6 था तो 1 कम है तो आज 5 है, कम तो 10 years है ना, गैप 10 years का है ना, और 6 और 1 लेस 5 बोले तो 1 लेस है ना, 1 means 10 years, 5 means what? 50 years। देखिए 100% 83 एंड 1/3%, गैप इज 16 एंड 2/3%, 16 एंड 2/3% को 1/6 कहते हैं, जैसे 50% को हाफ कहते हैं ना, हाफ वैसे, तो अगर ये 1 है तो 1/6 लेस है तो 5/6 है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, अगर ये 6 है तो 1 लेस है तो 5 है, ये अच्छा लग रहा है, 1 means 10 years, 5 means what? 5 times, so 50 years,
either statement is sufficient, आप किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहां भी हमने नहीं किया लेकिन कर सकते हैं, यहां भी फ्रैक्शन वैल्यू यूज कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं ये 100% है ना और ये 125% हो गया, नहीं ऐसे बोलेंगे। अगर ये था 1 तो हो गया 125%, तो बढ़ा कितना 25%। अगर ये था 1 तो 1/4 बढ़ा तो 5/4 हो गया, पसंद नहीं है। अगर ये था 4 तो इंक्रीज हुआ 1 हो गया 5। 1 को 10 इयर्स कहते हैं, 5 को क्या कहेंगे, 50 इयर्स। आंसर ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। किसी स्कूल में 20% विद्यार्थी 8 वर्ष से कम आयु के हैं, 8 वर्ष से अधिक आयु वाले जितने स्टूडेंट्स हैं वे 8 वर्ष की आयु वाले जितने स्टूडेंट्स हैं उनकी तुलना में 2/3 हैं, जबकि 8 वर्ष की आयु वाले विद्यार्थियों की संख्या 48 है। तो बताना है कि स्कूल में कुल कितने स्टूडेंट्स हैं। क्वेश्चन पर ध्यान दें, क्लास का 3 भाग है, 8 वर्ष की आयु के स्टूडेंट्स, 8 वर्ष की आयु से कम वाले स्टूडेंट्स और 8 वर्ष की आयु से अधिक वाले स्टूडेंट्स, 3 भागों में बांटा गया है। 8 वर्ष से कम आयु वाले का नंबर तो दिया हुआ है जो कि 20% है, तो बाकी जो 2 भाग बचे यानी 8 वर्ष और 8 वर्ष से ज्यादा, ये दोनों कुल मिलाकर कितने हुए? ये दोनों कुल मिलाकर के वो जो टोटल 100% है उसमें से 20% लेस कर दीजिए तो 80% हुए। अब ये जो 2 भाग है, 8 वर्ष वाला और 8 वर्ष से ज्यादा वाला, ये हुए तो 80%, लेकिन इन दोनों का नंबर कैसे निकलेगा? तो इसके लिए कुछ और डाटा होना चाहिए, वो दिया हुआ है कि 8 वर्ष से अधिक आयु वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो 8 वर्ष वाले की तुलना में 2/3 हैं, यानी 8 वर्ष वाले को यदि हम 3 माने तो 8 वर्ष से अधिक आयु वाले 2 हुए और टोटल 5 हुए। 8 वर्ष वाला दिया हुआ है 48, 3 मीन्स 48, 5 मीन्स व्हाट, 3 मीन्स 48 तो 1 मीन्स 16, 5 मीन्स 80, कुल मिलाकर के 80 स्टूडेंट हैं जो कि 80% भी हैं, तो पूरे स्टूडेंट हुए 100%। तो इसका मतलब हुआ कि 100% बराबर 100 स्टूडेंट, तो स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हुए? 100। देखिए इसको पूरा स्कूल माना, इसमें जितने स्टूडेंट्स हैं उनको हमने कहा 100%, 100%। इसके 3 पार्ट्स हैं, 8 इयर्स ऑफ एज, बिलो 8 इयर्स ऑफ एज, अबव 8 इयर्स ऑफ एज। दिया हुआ है कि बिलो वाले 20% हैं, ठीक है, तो फिर 8 इयर्स वाले और मोर देन 8 इयर्स वाले, ये दोनों मिल करके 100 में 20 लेस कीजिए तो 80% हुए। ये दोनों 80% हैं, पर इन दोनों का संबंध क्या है? तो दिस Above of 8 years of age, ये जो है वो इसके 2/3 हैं, यानी इनको अगर हम 1 माने, इनको अगर हम 1 माने तो ये 2/3 होते हैं, पर ये कैलकुलेशन के ख्याल से सुटेबल नहीं है इसलिए हम इनको 3 मानते हैं, तो ये 2 होते हैं, तो टोटल 5 होते हैं और 3 का वैल्यू दिया हुआ है 48, तो 3 means 48, तो 1 means 16, 5 means what, 80, यानी कुल मिला के 80 है और वो पूरे के 80% भी हैं, तो इसका मतलब हुआ कि 80% को यदि हम 80 कहेंगे तो 100% को क्या कहेंगे? 100 कहेंगे। आंसर एक और बढ़िया क्वेश्चन, Jayesh is twice as old as Vijay
and half as old as Suresh. The sum of Suresh and Vijay's ages is 85 years. What is Jayesh's age in years? ये रेशियो का भी क्वेश्चन है, एजेस का भी क्वेश्चन है. विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर यू कैन सॉल्व इट. या अगर आपकी इच्छा हो तो थोड़ा बहुत आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका अधिकतर पार्ट मन में होगा. देखिए एक स्केल पर हम लोग लाते हैं. जयेश का एज विजय का दो गुना है, तो विजय को वन बोल देते हैं तो जयेश टू हो गया. जयेश का एज दो गुना है और जयेश का एज सुरेश का हाफ है, और जयेश को टू बोले हैं और वो सुरेश का हाफ है, तो सुरेश फोर ना हुआ, तो एक स्केल पर आ गया ना, फोर इज टू, वन इज टू टू. और अब सुरेश और विजय दोनों के एज का सम दिया हुआ है. सम क्या हुआ? फोर और वन फाइव, और सम दिया 85. फाइव मीन्स 85 ईयर्स, वन मीन्स 17 ईयर्स, टू मीन्स 34 ईयर्स. आंसर देखिए बोर्ड पर. जयेश विजय का दो गुना है, विजय को हमने वन कहा तो जयेश टू, और जयेश सुरेश का हाफ है और जयेश खुद टू है, तो इसका हाफ होने का मतलब सुरेश फोर हुआ ना. दिया हुआ है विजय और सुरेश दोनों के एज का सम फाइव है और 85 ईयर्स है. फाइव मीन्स 85, वन मीन्स वॉट 17. रेशियो सिस्टम में वन को 17 ईयर्स बोलते हैं. तो समूह का हम क्यों निकाले? अगर हम निकालना चाहें तो सुरेश का भी इंटू 17 कर दें 68 हो जाएगा, विजय का भी इंटू 16 कर दें 17 हो जाएगा. हमको जयेश का चाहिए तो 2 इंटू 17 कर दिए तो ये 34 ईयर्स. द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एजेस ऑफ पी एंड क्यू इज 5:8. आफ्टर 4 ईयर्स द रेशियो बिटवीन द एजेस विल बी 2:3. What is Q's age at present? Question दो स्टेज से है, एक at present आज उनके एज का रेशियो है और दूसरा आज से 4 साल के बाद. इन दो स्टेजेस के बारे में है. हम लोग किसी भी एक स्टेज में अज्यूम कर सकते हैं और दूसरे स्टेज में जा सकते हैं. इस आधार पर दो तरीके से, दो मेथड से लिख सकते हैं. वो दो मेथड से लिख के दिखाया गया है. कैलकुलेशन बहुत कम है. अगर आप समझ जाते हैं तो बस एक इक्वेशन लिखना है, उसके बाद सॉल्व करने के लिए कुछ खास नहीं है. तो एट प्रेजेंट उनके एज का रेशियो 5:8 है, पी और पी एंड क्यू. तो हम लोग पी एक्स एंड क्यू एक्स मान लेते हैं आज, पी एक्स एंड क्यू एक्स, पी एक्स एंड 8x मान लेते हैं पी और क्यू का एज. और आज से 4 साल के बाद तो जिनका 5x है वो 5x+4 होगा, जिनका 8x है वो 8x+4 होगा, और वहां पर दोनों के एज का रेशियो 2:3 है. सॉल्व करने का वही तरीका, ये 8x इंटू 2 16x एंड 3 इंटू 15x, 3 इंटू 5x 15x. तो ये 16x एंड 15x डिफरेंस इज 1x. व्हाई? क्योंकि सेम साइन है. और आप बोल सकते हैं सेम साइन है तो 4 इज टेकन एज कॉमन, 3 - 2 = 1, 4 × 1. आप ऐसे समझ लीजिए, 3 ठो आम, उसमें 2 आम सड़ गया, 1 आम बचा. 3 ठो चार, उसमें से 2 ठो चार खत्म हो गया, घट गया, तो 1 ठो चार, x means 4. तो हमने q का जो प्रेजेंट एज माना था वो 8x माना था, इसीलिए 8 × 4 32 ईयर्स आंसर. अगर आप आज न मान करके आज से 4 साल बाद एजेस मानते हैं जो कि 2x एंड 3x हैं, 2:3 है तो 2x एंड 3x हैं, तो 2x 3x यहां पर एज है आज से 4 साल बाद. तो आज क्या हुआ? 4 माइनस होगा और आज उनके एज का रेशियो 5:8 है. सॉल्व करने में वही तरीका, ये सॉल्व करने का बहुत अच्छा तरीका है. सेम साइन होने पर घटेगा, अपोजिट होने पर जुटेगा. देखिए 5 × 3x 15x हुआ, यहां 16x हुआ, सेम साइन है तो घटा 1x. यहां भी सेम साइन है तो हम लोग बोल सकते हैं कि 8 4 और 5 4 घट गया तो 3 4, लाइक दैट. यानी आप ऐसे बोल सकते हैं 4 इज टेकन एज कॉमन, 3 3 3, 4 × 3 3 कहां से आया? 8 - 5, 8 और 5 का डिफरेंस, यानी x = 12.
लेकिन हमने माना था आज से 4 साल बाद Q का एज, P का 2X, Q का 3X, तो हमको Q का वैल्यू निकालना है, तो 3X मतलब 3 × 12, 36, वहां पर 36, आज से 4 साल बाद 36, तो आज कितना हुआ, -4, यानी 32 years. आंसर क्वेश्चन है, 1 year ago, the ratio between Samir's and Ashok's age was 4:3. 1 year hence, the ratio of their ages will be 5:4. What is the sum of their present ages? देखिए इस क्वेश्चन में जो दो स्टेज लिए गए हैं वो आज का एज नहीं है, आज से 1 साल पहले और आज से 1 साल बाद, इन दो के बीच लिया गया है. इसमें से किसी भी एक जगह पर आप मानेंगे तो यहां से +2 होगा या वहां से -2 होगा, क्योंकि आज से 1 साल पहले किसी का अगर 10 साल हो तो आज 11 और 1 साल बाद 12, दो जुड़ा कि नहीं. आज से 1 साल बाद कोई 12 का हो तो आज एक घटेगा, फिर 1 साल पहले एक और घटेगा, दो घटेगा कि नहीं. तो हम लोग किसी भी एक स्टेज पर मान के बना सकते हैं. तो ये दो तरीका हुआ, लेकिन यहां एक तीसरा तरीका भी है जो एक्सेप्शनल है, कंडीशनल है, और वो अगर लागू हुआ तो पेन एंड पेपर की जरूरत नहीं है. उसका कंडीशन क्या हम लोग बात करेंगे, तो पहले इन दो मेथड की बात कर लेते हैं. तो 1 year ago जो रेशियो है वहां हम लोग एज्यूम करते हैं. देखिए तो 1 year ago, 1 year ago 4:3 है, तो हमने 4x 3x माना. यहां समीर का एक्स, 4x का एज 4x और अशोक का 3x 1 year ago, और 1 year हेंस गए तो +2 हुआ, 4x + 2, 3x + 2, और वहां एज का रेशियो 5:4 है. लेकिन सॉल्व करने का वही तरीका आपको यूज करना होगा जो हम लोग करते आ रहे थे, तो कुछ खास नहीं करना पड़ेगा. देखिए 16x 15x डिफरेंस इज 1x, आप बार बार देख रहे हैं सेम साइन होने पर घटता है. 4 × 4x 16x, 5 × 3x 15x, डिफरेंस इज 1x. एंड 5 × 2 10, 4 × 2 8, डिफरेंस इज, लेकिन डिफरेंस इज क्यों ले, ये 2 कॉमन आ जाएगा और 5 − 4 1, समझ लीजिए 5 आम खरीदा, 4 आम सड़ गया, 1 आम बचा, 5 2 का नोट, 4 2 का नोट फटा निकल गया, सड़ गया, क्या बचा, 1 2 का नोट. x means 2. तो सम पूछा है तो हम दोनों का एज निकाल निकाल के नहीं जोड़ेंगे, बल्कि 4x और 3x 7x जो है सम, कब सम, आज से 1 साल पहले 4x 3x था, यानी सम 7x था, यानी 7 × 2 14 years था, वो निकाल देते हैं और आज सम क्या होगा, +2 हो गया, 16 years. आंसर अगर हम आज से 1 साल बाद मानते हैं तो रेशियो है 5:4, तो 5x and 4x, आज से 1 साल बाद 5x and 4x, और वहां से 1 साल पहले जाइए तो क्या होगा, -2 −2 −2, ये एजेस हुए समीर के और अशोक के, और 1 साल पहले रेशियो क्या था, 4:3, तो ये रेशियो हुआ. सॉल्व वैसे ही किए, 16x 15x, डिफरेंस इज 1x, एंड 2 इज टेकन एज कॉमन, सेम साइन है, 4 − 3 1. हम ये नहीं करना चाहते कि 4 × 8 बोलिए, 3 × 6 बोलिए, 8 में से 6 घटाए, तो वैसे नहीं, 4 इज टेकन एज कॉमन, डिफरेंस बिटवीन 4 और 3 इज 1, एक्स मीन्स 2. हमने आज से 1 साल बाद 5x और 4x माना है तो 9x बोलिए ना, और 9x बोलिए तो 9 × 2 = 18 years, लेकिन आज से 1 साल बाद ना 18 years हुआ, आज क्या होगा सम, -2, यानी 16 years. आंसर लेकिन जो बेस्ट मेथड है वो आना बाकी है, पर उसका कंडीशन जान लीजिए, अगर ऐसा कंडीशन होगा तभी ये काम कर पाएंगे, नहीं तो ये नहीं कर पाएंगे. थर्ड मेथड इज द बेस्ट मेथड, इज द बेस्ट मेथड. क्या है, समीर एंड अशोक के एज का रेशियो 5:4 है आज से 1 साल बाद, और 1 साल पहले था 4:3. इन टर्म्स, रेशियो के इन टर्म्स में जो डिफरेंस है 1 और 1, ये सेम होना चाहिए, बट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, मतलब 4 से 5 अगर बढ़ा है तो 3 से 4 बढ़ना चाहिए, ये नहीं कि 3 से 1 घट के 2 हो जाए, तो भी डिफरेंस 1 रहेगा लेकिन उस स्थिति में नहीं होगा.
या तो 1-1 इंक्रीज हो रहा है तो 1-1 इंक्रीज होना चाहिए, या 1-1 डिक्रीज हो रहा है तो 1-1 डिक्रीज होना चाहिए। ये 2-2 भी इंक्रीज हो सकता है, 2.5 भी इंक्रीज हो सकता है, 4 भी इंक्रीज हो सकता है, ये किसी भी क्वांटिटी से इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है, इसमें से कोई एक होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप ऐसा समझिए कि 4 में 1 ऐड किया तो 5 हुआ ना, और वास्तव में दोनों के बीच का गैप 2 इयर्स का है। आज से एक साल पहले और आज से एक साल बाद दोनों के बीच में 2 साल का अंतर है और रेशियो में 1 का अंतर है, यानी 1 का मतलब 2 इयर्स हुआ। अब रेशियो सिस्टम में 1 का मतलब 2 इयर्स हुआ तो आप बोल सकते हैं 4 × 2 8 इयर्स का था समीर आज से एक साल पहले, आज से एक साल पहले अशोक 3 × 2 6 का था, आज से एक साल बाद 5 × 2 10 का समीर होगा, और आज से एक साल बाद 4 × 2 8 का अशोक होगा। पर ये एजेस हम क्यों निकाले? हमसे कहा गया है कि दोनों के एज का सम निकालिए, तो हम सम क्यों ना निकालें? और सम निकालना दो तरीके से यहां हो सकता है। 5 and 4 9, यहां पर सम हुआ 9, 1 का मतलब 2 इयर्स है तो 9 का मतलब 18 इयर्स हुआ, लेकिन आज से एक साल बाद सम अगर 18 है तो आज क्या हुआ? -2 16 इयर्स। लेकिन अगर हम एक साल पहले सम बोलें तो 4 + 3 7 होता है, 4 + 3 7 होता है, तो 7 × 2 14 इयर्स हुआ। 14 इयर्स कब हुआ? आज से एक साल पहले। तो आज क्या हुआ? +2 यानी 16 इयर्स आंसर। क्वेश्चन है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए फादर एंड हिज सन इज 900 इयर्स एंड द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस इज 25:9, देन फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का गुणनफल 900 वर्ष है और उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 25:9 है। 25:9 हमने उनके एजेस माने 25x एंड 9x, तो फादर का एज 25x और सन का एज 9x। दिया हुआ है कि दोनों को गुना करने पर प्रोडक्ट 900 इयर्स आता है। तो हमने क्या लिखा? हमने लिखा कि ये जो रेशियो 25:9 है उसके आधार पर फादर का एज 25x माना, सन का 9x माना, यानी x का वैल्यू मालूम हो जाए तो हम तुरंत बता दें कि फादर का एज क्या होगा, सन का एज क्या होगा। गिवन दैट कि 25x × 9x = 900 इयर्स, इसको जल्दी से सॉल्व करने का तरीका यह है कि आप स्क्वायर रूट ले लीजिए। ऐसा क्यों ले रहे हैं? क्योंकि x × x स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट तो लेना ही है, तो बाद में जब लेंगे उससे अच्छा है पहले ले दें, इससे कैलकुलेशन करने से थोड़ा बचेंगे, काम आसान होगा। तो हमने जब स्क्वायर रूट लिया तो 25 के लिए 5, 9 के लिए 3, एक्स स्क्वायर के लिए एक्स, और 900 का स्क्वायर रूट 30, हमने 15 से काटा 2 टाइम्स, x = 2। अब x का वैल्यू जब 2 आया तो फादर का एज 25x मतलब 25 × 2 मतलब 50 इयर्स, और सन का एज 9 × 2 9x मतलब 9 × 2 मीन्स 18 इयर्स।